हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी वायरलेनेक्स की जीपीआरएस कनेक्टिविटी के बारे में। अब जीपीआरएस बाकी सब लोग कनेक्टिविटी से किस तरीके से डिफर है, मशीन पे आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कनेक्टिविटी सैम्बल्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे वायरलेनेक्स आपने पहले भी देखा, तो जीपीआरएस कनेक्टिविटी के लिए हम फिजिकल ओवरव्यू में हमारा एंटीना आपको मिलता है, और यहाँ पे जिस वक्त हम मशीन को जीपीआरएस मोड में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे एक जी का सैम्बल आपको दिखाई देता है, जो आपको ये डिफाइन करता है कि मशीन इस वक्त जीपीआरएस मोड में कन्वर्टेड है। अगर मशीन पे कनेक्टिविटी अवेलेबल है, आपको इंटरनेट चल रहा है, तो यहाँ पर जी के ऊपर आपको एक एरो दिखाई देगा जो हम लोग कनेक्टिविटी करने के बाद आपको शो कर देंगे। फिजिकल के लिए बात करें, जैसे सिम अगर हमें इंसर्ट करानी है तो बैक में आपको यहाँ पे एक पैनल दिया जाता है जिसे आप अनकवर कर लेंगे। यहाँ पे स्क्रूज लगे होते हैं, अभी मैंने अनकवर किया हुआ है। निकालने के बाद यहाँ पर सिम को आपको स्लॉट मिलेगा, आप इसे अनकवर कर सकते हैं। और पर जो भी सिम होगी, एयरटेल या वोडाफोन, हम उसे इंसर्ट कराएंगे। यहाँ पर क्लिप को लॉक कर देंगे, उसके बाद हमारा जो क्लिप है उसे वापस से लगा देंगे। उसके बाद हम लोग मशीन की सेटिंग में जाएंगे कि मशीन को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सिलेक्ट प्रेस करेंगे, मशीन का पासवर्ड डालेंगे, बाय डिफॉल्ट 4x1 होता है, और अगर आपकी मशीन में हमने लगा रखा है तो आपसे एंटर करा सकते हैं। सिलेक्ट प्रेस करके 4x1 मशीन अनलॉक हो जाएगी आपकी। उसके बाद सेलेक्ट करके मेन्यू के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हम लोग अभी जीपीएस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसी ऑप्शन के अंदर जाएंगे, डाउन करेंगे, ऑप्शन में सेलेक्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टीसीपी लिंक यहाँ पर सेलेक्ट प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको तीनों कनेक्टिविटी अवेलेबल है। तो हम लोग जीपीआरएस की बात करें, इसलिए हम जीपीआरएस को सिलेक्शन करेंगे। करने के बाद में आपको जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर आपका अवेलेबल है, जिसकी भी आपने सिम इंसर्ट करी है मशीन में, उसको आपका एपीएन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको नाम सेलेक्ट होगा, डाउन करके आपको जो भी है, जैसे मेरे पास वोडाफोन की सिम है तो मैं वोडाफोन को सेलेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट और डिसकनेक्ट, आपको नेटवर्क अगर कनेक्टिविटी करानी है तो कनेक्ट होगा, डिसकनेक्ट करना है तो डिसकनेक्ट। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लाइंट मोड बाय डिफॉल्ट सेट किया गया हमने, और जीपीआरएस मोड हमेशा क्लाइंट मोड में ही चलेगा, कभी भी सर्वर मोड में नहीं चलेगा। नेक्स्ट प्रेस करेंगे, यहाँ से डायग्नोस्टिक मैसेज स्किप कर देंगे। रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन मतलब आपका जो मशीन है वो सर्वर के साथ में जो कनेक्टिविटी है, डेटा जो उसे भेजना है वो रियल टाइम में भेजेगा, जैसे 500 या फिर एक टाइम इंटरवल सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम रियल टाइम में चलते हैं, अभी इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपका एंटर सर्वर है। जब भी हम क्लाइंट मोड की बात करें तो आप लोग पहले से जानते हो क्लाइंट मोड की कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास में दो चीजें मैंडेटरी होती हैं। फर्स्ट होता है सर्वर आईपी या डोमेन नेम, और सेकंड होता है मशीन का नंबर, जो हमारे सर्वर पे आइडेंटिफिकेशन कराता है कि मशीन हमारी किस लोकेशन से या किस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर हम अगर आईपी एड्रेस डालना है तो आईपी एड्रेस सिलेक्शन करेंगे, डोमेन नेम डालना तो डोमेन नेम। अभी मैं आईपी एड्रेस सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी आईपी जो मेरे सर्वर की आईपी है, जैसे मैंने अभी यहाँ डाली है 182.71.46.20, मैं एक बार एंटर करा देता हूँ। ये आपको 3 डिजिट एंटर प्रेस करके आप सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट 3 डिजिट आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट डालनी है, फिर सेलेक्ट, उस टाइप से आप सारी डिजिट एंटर करा सकते हैं आईपी की। जब ये डल जाएगा उसके बाद लॉक मोड है, इसे स्किप कर देंगे अभी। हमारा पल्स मोड, इसे भी स्किप कर देंगे, सारे ऑप्शन स्किप करते चलेंगे। जैसा कि हमें सेकंड चीज चाहिए मशीन नंबर, फर्स्ट हमारा तो मैंने वो सर्वर आईपी डाल दिया, अब हमें चाहिए मशीन नंबर जो आइडेंटिफिकेशन होगा। मान लीजिए मैं दिल्ली लोकेशन से हूँ और दिल्ली में मेरी 4 मशीनें लगी है, तो मुझे फर्स्ट मशीन लगानी है, तो कोई भी हम सैंपल को दे सकते हैं, इसे डी ई एल 0 1 2 3, कोई भी आप 8 डिजिट यूज कर सकते हैं अल्फान्यूमेरिक। सेव करने के लिए सेलेक्ट प्रेस करेंगे, डेटा सेव हो। इसके बाद हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे, मशीन को फंक्शन से लॉक कर देंगे। उसके बाद में एक बाय डिफॉल्ट कोड होता है हमारा सेलेक्ट 1919, ये आपके मशीन को फोर्सफुली कनेक्शन बनाता है सर्वर के साथ में। उसके बाद में भी हमारी मशीन की कनेक्टिविटी जब शो हो जाएगी, यहाँ पर जी का सैंबल आ जाएगा। अभी हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पर जी का सैंबल शो हो जाएगा। स्टार्लिंग की और भी किसी भी मशीन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं स्टार्लिंग इंडिया, जहाँ से आपको हमारी जितनी भी मशीन अवेलेबल हैं स्टार्लिंग की, हर मशीन की कॉन्फ़िगरेशन वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगी। थैंक यू, आज के लिए इतना।